हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ममता किचन में। तो आज हम जलेबी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या मैंने तो पिस्ता के साथ गार्निश करके सर्व करने के लिए रेडी कर दिया है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरीके से खाना चाहते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरा नाम है ममता और आप आए हैं ममताज किचन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 180 ग्राम चीनी ली है, इसे एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 कप के लगभग, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, 1 कप कम रहेगा तो हम इसमें आधा कप और पानी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर इसकी चाशनी बना लेंगे। फ्रेंड्स, इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि है ना, अपन अगर इसे छोड़ देंगे तो ना तो चीनी नीचे चिपक जाएगी और चाशनी बेकार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब हम इसमें 2 छोटे छोटे नींबू के टुकड़े डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी चीनी है ना, चाशनी थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी तो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, नींबू का रस इसे जमने नहीं देगा, इसलिए हमने 2 नींबू के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम इसको पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीनी गंदी है और चाशनी भी गंदी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, 2 चम्मच के लगभग, तो वो दूध फट जाएगा ज़्यादा चीनी में जाते ही, तो इसका मैल है ना जो ऊपर आ जाएगा। मैंने तो यहाँ पे साफ चीनी का यूज लिया है इसलिए मेरी चाशनी गंदी नहीं है, तो आप उसके मेल को निकालने के लिए इस पर दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी चाशनी के लिए 1 तार या 2 तार नहीं चाहिए होता है, हल्की सी चिपचिपी हो जाए। और अगर आपको लगता है कि अपन तार में नाप रहे हैं तो इसमें आधा तार बन जाए, ऐसी चाशनी इसके लिए चाहिए होती है। फ्रेंड्स, मैंने इसे 2-3 मिनट तक पका लिया है, ये पककर रेडी हो गई है, हल्की चिपचिपी भी हो गई है। अब हम इसमें से ये नींबू के जो टुकड़े थे ना, इन्हें निकाल देंगे। और इसमें 1 पिंच केसर येलो कलर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल 1 पिंच ही डालना है। ये मैंने कलर डाल दिया है इसमें और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें 1 कप मैंने मैदा डाल दी है। इसमें हम 1 पिंच के लगभग बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और 1 पिंच के लगभग इसमें हाइड्रा पाउडर डाल देंगे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर इसे नहीं डालते हैं तो जलेबी अच्छी बनती ही नहीं है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें डाल दी है। और 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है तो आप इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें चम्मच को तो हटा देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2-3 मिनट तक फेट कर इसका बैटर बना लिया है।
इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, तब तक हम इसे फेंटते रहेंगे कि इसमें ये बबल्स आ जाते हैं ना, इससे जलेबी बहुत ही अच्छी बनती है। अब ये रेडी हो गया है। जब तक हम इसे पाइपिंग पे एक बार भर कर तैयार करते हैं, तब तक एक पैन में ऑयल रख देंगे। ऑयल 1 इंची से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसे लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देंगे। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एक छाछ का या दूध का पैकेट ले लेंगे। मैंने यहाँ पे छाछ का पैकेट यूज किया है, इसे धो कर साफ कर लिया था और सुखा लिया था। अब हम एक ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर इसको इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे, और इसमें हमारा जो बैटर था ना वो भर देंगे। इस तरीके से बैटर डाल देंगे इसके अंदर। अब मैंने बैटर इसमें भर दिया है फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से उठा लेंगे और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसे रबड़ बैंड से भी बंद कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेंगे। अब आपको छोटी बड़ी जितनी साइज की जलेबी बनानी है ना, उतना बड़ा यहाँ से कट मार लेंगे। अब फ्रेंड्स ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें इस तरीके से जलेबी डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपकी जलेबी है ना चारों तरफ घूम जाएगी, और ऐसा नहीं करना है। तो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, ऑयल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसे चिमटे से पलट देते हैं इस तरीके से, ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएगी। अब ये सीकर रेडी हो गई है, तो अब हम इसे निकालेंगे और तुरंत चाशनी में डाल देंगे। 1 मिनट भी बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये चाशनी नहीं पकड़ेगी। तो इसे तुरंत ही चाशनी में डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जलेबी को चाशनी में से निकाल ली है। उसे कम से कम 4-5 मिनट तक रखा था, ज़्यादा भी रख देते हैं तो एकदम सॉफ्ट नहीं होती है। तो देखिए अंदर तक जूसी जूसी हो गई है एकदम, और इसकी क्रिस्पीनेस भी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।